हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी द कुक। फ्रेंड्स, आज हम तंदूरी कॉर्न्स यानी कि भुट्टे की यूनिक रेसिपी बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 3 मक्के लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से छील कर धो के रेडी कर लिया है। इसे हमें बॉईल करने रखना है। पानी मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। इस उबलते पानी में हम 1 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे और अब इन कॉर्न्स को हम इस पानी में डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हाई करके हम इसे 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम फ्लेम पर से उतार देते हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम भुट्टे पर लगाने वाला मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये मैं ले रही हूँ 250 ग्राम्स दही। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे ज़रा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के ये सारे सूखे मसाले। मैं इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून शक्कर, ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये 1/2 टीस्पून काला नमक और साथ ही में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे इसमें ये 1 नींबू का रस है, ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस, साथ ही में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। चलिए, ये मैरिनेशन का मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। मक्के भी अब ठंडे हो चुके हैं। हम इसे मक्के के ऊपर कोट कर लेंगे। चलिए, अब हम इन भुट्टों को अच्छी तरह से इस मैरिनेशन से कोट कर लेंगे। हाथों से लगाइए अच्छी तरह से, सारी ओर इसे कोट करना है। अब हम इन मैरिनेटेड भुट्टों को इस पैन में रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे ये चारकोल। इसे हमें तंदूरी फ्लेवर देना है, इसलिए हम इसे इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी, जिससे अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ जावे और इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से रख देंगे ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। चलिए, इसके अंदर इसका स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। हम इस कोल को निकाल लेते हैं और इसे अब हमें ग्रिल पैन में फ्राई करना है। इस ग्रिल पैन में हम 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम लो पर रखेंगे और ये मैरिनेटेड कॉर्न्स को हम इसमें डाल देंगे। अब इसे पलटते हुए हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई होने तक इसे हमें पका लेना है। देखिए, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सारी ओर से भुन चुके हैं।
तो ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हम फ्लेम बंद कर देते हैं, इसे फ्लेम पर से उतार देते हैं और हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने भुट्टे के छिलकों के ऊपर रख के सर्व किया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, बस। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तंदूरी कॉर्न्स मसालेदार इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइए, ये खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगते हैं, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।